राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, बोले हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं, कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। पीएम मोदी ने अगले 5 साल के लिए बताया अपना मास्टर प्लान, बोले अगले 5 साल भारत में डॉक्टर मेडिकल कॉलेज बढ़ेंगे, इलाज सस्ता होगा। पीएम मोदी ने आने वाले 5 सालों को बताया बेहद अहम, बोले आने वाले 5 साल में हम मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर पहचान बनाएंगे, इलेक्ट्रिक बाजार में एक नई गति मिलेगी। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर पर साफ साफ कहा, देश लाखों करोड़ रुपए तेल इंपोर्ट करता है, हम ऊर्जा पैदा कर आत्मनिर्भर बनेंगे। पीएम मोदी ने कहा हम गरीब के घर में नल से जल का कनेक्शन होगा, गरीब को प्रधानमंत्री आवास दिए जाएंगे, एक भी वंचित नहीं होगा। पीएम मोदी ने कहा विकास के रास्ते ने जो दिशा पकड़ी है उसे धीमा नहीं होने देंगे, बुलेट ट्रेन देखेगा देश और वंदे भारत बढ़ेंगे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में सोलर एनर्जी की भी बात कही, बोले सोलर पावर से बिजली बिल जीरो होगा, देश के करोड़ों लोग अपने घर पर बिजली बना कर बेच पाएंगे। पीएम मोदी ने कहा देश ने बदलाव के 10 साल देखे हैं, आने वाली सदियां स्वर्णिम काल को इतिहास में दर्ज करेंगे, हर संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना हमारा मकसद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक न्याय को और मजबूत करने की बात की, बोले गरीबी से बाहर आए लोगों को मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। पीएम के निशाने पर रही कांग्रेस, बोले जिससे कांग्रेस के अपने नेता की कोई गारंटी नहीं वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस 10 साल में 11वें नंबर पर देश को लेकर आ पाई, हम 10 साल में 5वें नंबर पर लेकर आ गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आज मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं, विपक्ष मेरी आवाज नहीं दबा सकता, मुझे जनता ने ताकत दी। अपने अभिभाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर भी प्रहार किया, कहा कांग्रेस के पास चुनाव में 40 सीट लाने की चुनौती है। कांग्रेस पर बरसते हुए पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस आउटडेटेड हो गई है, इतने बड़े दल का ऐसा पतन। पीएम ने कहा हमारे 10 साल टॉप 5 इकोनॉमी वाले हैं, हमारा कार्यकाल बड़े और निर्णायक फैसलों के लिए याद किया जाएगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार 2 दिनों के दिल्ली दौरे पर, प्रधानमंत्री मोदी से नीतीश कुमार ने की मुलाकात। एनडीए में वापसी के बाद नीतीश की प्रधानमंत्री मोदी से पहली मुलाकात, नीतीश ने गृहमंत्री अमित शाह के साथ भी की मुलाकात। कर्नाटक सरकार का दिल्ली में प्रदर्शन, केंद्र पर कर्नाटक के साथ भेदभाव करने का आरोप। प्रदर्शन के दौरान 5वें वित्त आयोग के तहत 5 सालों में कर्नाटक हुए नुकसान की भरपाई की करेंगे मांग, 1.87 लाख करोड़ रुपए के नुकसान का दावा। कर्नाटक बीजेपी के सांसदों का पलटवार, सिद्धरमैया सरकार पर फंड घोटाले का लगा आरोप, संसद में गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन। उत्तराखंड में यूसीसी पास होने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। पीएमएलए कोर्ट से झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को नहीं मिली राहत, अगले 5 दिनों तक ईडी की कस्टडी में ही रहेंगे सोरेन। चंपई सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार, कल दोपहर करीब 2:30 बजे राजभवन के बिरसा मंडप में शपथ ग्रहण समारोह। कोर्ट से सीएम केजरीवाल को झटका, ईडी की अर्जी पर 17 फरवरी तक पेश होने का आदेश। ईडी के 5 समन पर भी पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए अरविंद केजरीवाल, इसलिए ईडी ने लगाई कोर्ट से गुहार। आप सांसद एनडी गुप्ता के घर छापेमारी पर बोली दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी, कहा केजरीवाल छापेमारी से डरेंगे नहीं। आतिशी ने ईडी पर भी साधा निशाना, कहा ईडी मीडिया में ये दिखाना चाहती थी कि वो छापेमारी कर रही है, उन्हें 16 घंटे की छापेमारी में मिला क्या। मुख्यमंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी के घर में 16 घंटे छापा चला, उस 16 घंटे क्या हुआ, उस 16 घंटे में ईडी के अफसर विभव जी के ड्राइंग रूम में बैठे रहे। आतिशी ने कहा ईडी ने अब खुद उतार दिया अपना नकाब, ना कोई दस्तावेज ले आए, ना उन्हें सोने के बिस्किट मिले, ईडी अफसर सिर्फ 3 फोन ले गए। आतिशी ने कहा ये कोई ईडी जांच नहीं, सिर्फ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कुचलने की साजिश। शरद पवार को मिला पार्टी का नया नाम, एनसीपी शरद चंद्र पवार पर चुनाव आयोग ने लगाई मुहर। एनसीपी को लेकर चुनाव आयोग के फैसले के बाद महाराष्ट्र सियासत में मची खलबली, अजीत पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैविएट। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जितेंद्र आहवाड ने शरद पवार को बताया फिनिक्स, कहा जो आज इधर उधर उड़ रहे उनको शरद पवार ने ही बनाया।
चुनाव आयोग के फैसले के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अजित पवार को दी बधाई, कहा लोकतंत्र में बहुमत का सम्मान जरूरी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी को लेकर चुनाव आयोग के फैसले को ठहराया सही, कहा ऐसे ही फैसले की उम्मीद की जा रही थी। यूपी विधानसभा में बोले सीएम योगी, हमने वचन निभाया, मंदिर वहीं बनाया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सीएम योगी ने कहा, पूरा भारतवर्ष गौरवान्वित था, सभी की आंखें नम थी। सीएम योगी ने हिंदुओं की आस्था को लेकर विपक्ष को भी घेरा, बोले अयोध्या काशी मथुरा हमारी आस्था का केंद्र है, लेकिन जब वोट की राजनीति होती है वहीं से विवाद हो जाता है। अयोध्या का पिछली सरकार में विकास न होने पर सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले अयोध्या में सड़कें चौड़ी हो सकती थी, एयरपोर्ट बन सकता था, अयोध्या नगरी को प्रतिबंधों में रखा गया। सीएम योगी पर एसपी प्रमुख अखिलेश का पलटवार, कहा आप कहते हैं कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस, फिर महिलाओं पर सबसे ज्यादा अपराध क्यों। ओडिशा में न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी का नवीन पटनायक सरकार पर हमला, कहा नवीन पटनायक और नरेंद्र मोदी मिलकर काम करते हैं, दोनों ही पार्टनरशिप चलती है। कवि कुमार विश्वास ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, कहा गुजराती भाषी होने के बाद भी हिंदी पर अच्छी पकड़। बिहार में तेजस्वी और नीतीश के बीच की लड़ाई पोस्टर पर आई, पोस्टर के जरिए तेजस्वी का नीतीश पर तंज लिखा, जनसेवा नहीं करता हूं व्यवहार। आरजेडी के पोस्टर में लिखा गया, जो 17 साल में नहीं कर सके कोई चमत्कार, तेजस्वी ने 17 महीने में बदल दी बिहार। यूपी में बीजेपी के साथ आरएलडी के समझौते के कयासों के बीच मंत्री दानिश अंसारी ने कहा, जहां आग होती है वहीं धुआं भी उठता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी, आज यात्रा का 25वां दिन। ओडिशा के राउरकेला पहुंची न्याय यात्रा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वेदव्यास मंदिर में किए दर्शन। 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी कांग्रेस की न्याय यात्रा, चंदौली के सैयद राज पे होगा यात्रा का पड़ाव। 14 जनवरी 2024 को मणिपुर के थोबल से शुरू हुई थी राहुल की यात्रा, 15 राज्यों से होते हुए 20 मार्च को मुंबई में पहुंचे। हिमाचल से सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा का राज्यसभा के लिए हो सकता है नामांकन, एक सीट अप्रैल में हो रही खाली। हरदा में हादसे वाली जगह पर पहुंचे सीएम मोहन यादव, काफिला बढ़ने के दौरान स्थानीय लोगों ने जाहिर की नाराजगी। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके का मोबाइल वीडियो सामने आया, तबाही की दहला देने वाली दिखी तस्वीर। पटाखा फैक्ट्री में हुए लगातार धमाके से दूर लगे बड़े बड़े पेड़ उखड़े, वीडियो बनाने वाला शख्स खिसक गया। हरदा में रेस्क्यू मिशन अब भी जारी, जिंदगी के तलाश में खंगाला जा रहा मलबा, आज की तस्वीरें सामने आई। हरदा पटाखा फैक्ट्री मामले में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार, 3 आरोपियों में से 2 पटाखा फैक्ट्री संचालक, पूछताछ जारी। दिल्ली में मानेक शॉ सेंटर में डिफेंस एक्सपो का शुभारंभ, डिफेंस सेक्टर से जुड़ी भारतीय कंपनीज ने लिया हिस्सा। अमरावती रेलवे स्टेशन से अयोध्या के लिए रवाना हुई आस्था स्पेशल ट्रेन, राम भक्तों ने जय श्री राम के लगाए जयकारे। जमशेदपुर के दमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 25 लाख की लागत से तैयार कैनोपी वॉक, 50 से ज्यादा पेड़ों को जोड़कर बनाया गया है सुरक्षित कैनोपी वॉक। सरायकेला पहुंचे झारखंड के सीएम चंपई सोरेन का पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया गया, सीएम सोरेन ने किया वी डीबा किशुन की प्रतिमा का अनावरण। हुबली में बछड़े को कृत्रिम पैर से मिला नया जीवन, आर्टिफिशियल पैर लगने के बाद अपने पैरों पर खड़ा हुआ। केरल के सभी थाने की सीसीटीवी से होगी निगरानी, केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने किया इसका उद्घाटन। कोयम्बटूर पुलिस ने वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेशन सेरेमनी का आयोजन किया, लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। पुडुचेरी में हस्तशिल्प प्रदर्शनी का तमिलनाडु की एलजी सुंदरराजन ने किया शुभारंभ, प्रदर्शनी का भी लिया जायजा। रोजगार के मोर्चे पर मेघालय के शिलोंग से शानदार खबर आई, सीएम कॉनराड संगमा ने नवनियुक्त शिक्षकों को बांटे नियुक्ति पत्र। अगरतला में दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया, त्रिपुरा के मंत्री रतन लाल नाथ हुए शामिल। दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्ट पुरस्कार का आयोजन किया गया, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और वीके सिंह हुए शामिल। चंडीगढ़ में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, पंजाब के सीएम भगवंत मान पहुंचे।
चेन्नई में तमिलनाडु के मंत्री उदय निधि स्टालिन ने कई सरकारी योजनाओं का शुभारंभ किया, लगाए पौधे। जम्मू में एलजी मनोज सिन्हा ने क्लस्टर यूनिवर्सिटी के नए परिसर की रखी आधारशिला, कहा घाटी में तेजी के साथ विकास हो रहा। घाटी में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की पहल, आजीविका उद्यम विकास कार्यक्रम के तहत महिलाओं को जूट बैग बनाने पर जोर दिया जा रहा। गुजरात के जामनगर में बोरवेल में गिरा बच्चा, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। वडोदरा में किसान ने आधुनिक तरीके से की लाल केले की खेती, हर साल हो रही लाखों की कमाई। तिरुपति के बालाजी के दरबार में पहुंचे हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, विधि विधान के साथ की पूजा। चेन्नई में स्वच्छता को लेकर बाप बेटी ने की शानदार पहल, समुद्र में गोता लगाकर कर रहे समुद्र की सफाई। चेन्नई पहुंचे श्रीलंका से रिहा किए गए तमिलनाडु के 12 मछुआरे, चेहरे पर दिखी खुशी। दिल्ली एनसीआर में सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठंड, कल भी कड़ाके की ठंड जारी रहने की उम्मीद। दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी, न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद। दिल्ली एनसीआर को फिलहाल बारिश से राहत नहीं मिल रही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी सुधार। धूप खिलने से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में होगी बढ़ोतरी, मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए ठंडी हवाओं से राहत की जताई उम्मीद। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में बढ़ गई ठंड, मौसम विभाग का अनुमान अगले चार दिनों तक उत्तर पश्चिमी भारत में रहेगी ठिठुरन। पुंछ में भारी बर्फबारी से सड़कें बंद, मशीनों से हटाई जा रही बर्फ। शिमला में बर्फबारी से यातायात बाधित, सड़कों पर लगी लंबी कतारें। शिमला के NH5 पर बर्फबारी में फंसी एम्बुलेंस, राहत बचाव कार्य जारी। बागेश्वर के कपकोट में जबरदस्त बर्फबारी के बाद पर्यटकों से हुआ गुलजार, बर्फ में मस्ती करते दिखे पर्यटक। बागेश्वर में जबरदस्त बर्फबारी के चलते सड़कों पर जमी बर्फ, जेसीबी से रास्ता साफ किया। गुरुग्राम में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, सवारी से लूटपाट करने वाले दो लोगों को अरेस्ट किया। अलवर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली, हनी ट्रैप मामले में पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 4 लोगों को अरेस्ट किया। झारखंड के हजारीबाग से अगवा किया गया युवक, बिहार के गया से बरामद, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मुंगेर के पहाड़ों के बीच मिली हथियारों की अवैध फैक्ट्री, दो गिरफ्तार, बड़े पैमाने पर हथियार बनाने के उपकरण जब्त। ओडिशा के मयूरभंज में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 120 किलो गांजा किया जब्त, दो गिरफ्तार। ईशा देओल और भरत तख्तानी ने कंफर्म कर दिया है कि दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं। ईशा देओल और भरत तख्तानी की शादी 2012 में हुई थी। द केरला स्टोरी फेम एक्ट्रेस अदा शर्मा की अगली फिल्म बस्तर द नक्सल स्टोरी का सामने आया टीजर, फिल्म में अदा आईपीएस ऑफिसर के रोल में। मारा था और तब इसका जश्न मनाया गया JNU में। कहां से आती है ऐसी सोच? बस्तर में भारत के टुकड़े करने की साजिश कर रहे हैं ये नक्सली और उनका साथ। रिलीज हुआ फिल्म आखिर पलायन कब तक का ट्रेलर, फिल्म में राजेश शर्मा, भूषण पठियाल, गौरव शर्मा, धीरेन्द्र द्विवेदी, चितरंजन गिरी और सुहानी कुमारी नजर आएंगे। और अब एक ही परिवार बचा था। संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म लव एंड वॉर में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, विक्की कौशल नजर आएंगे। ये फिल्म एक लव ट्राइंगल होगी जिसमें एक्शन भी होगा। टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने अपने 4000 एपिसोड्स पूरे कर लिए, खुशी के इस मौके को तारक मेहता की पूरी टीम ने सेलिब्रेट किया। भारत पहुंची वरुण घोष बने ऑस्ट्रेलिया में सेनेटर, सांसद में भगवत गीता पर हाथ रखकर ली शपथ। लॉस एंजलिस में सैलाब में फंसे शख्स को बचाने के लिए हैरतअंगेज रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। पाकिस्तान में थमा चुनाव प्रचार का दौर, कल मतपेटियों में बंद होगा प्रत्याशियों का भाग्य। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 342 सीटें, 272 सीटों के लिए होगा सीधा मतदान। पाकिस्तान में 5000 से ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में, इमरान खान की पार्टी का सिंबल फ्रीज।